हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नितिका सर्विस। तो आज हम लोग इस लाइट को बनाने वाले हैं जो टोटली रिचार्जेबल है और कलरफुल भी है। इसको आप घर में नाइट लैंप की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए चाहिए एक 110 mm का पाइप, तकरीबन 1 फीट का। तो चलिए इसको मेज़र करके काट लेते हैं। इसको काटने के बाद थोड़ा सैंड पेपर से घिस के रफ एरिया को फिनिशिंग दे दीजिए। अभी हम लोग एक 110 mm का एंड कैम्प लेंगे और इसमें एक मार्किंग लगाएंगे। इसके बाद थोड़ा निकाल के और एक दूसरा मार्किंग लगाएंगे, तकरीबन 1 इंच से थोड़ा कम। दो मार्किंग हो चुका है तो हम लोग का, अभी हम लोग मेज़रमेंट टेप लेंगे और नीचे वाला मार्किंग से तकरीबन 13 mm पे एक मार्किंग लगाएंगे और नीचे 7 इंच पे एक मार्किंग लगाएंगे, 7 इंच 18 mm। अभी इस पोर्शन को भी मार्किंग लगाएंगे। अभी हम लोग इस नीचे वाले हिस्से को काट के निकाल लेंगे। अभी रूलर से पाइप के बीचों बीच रूलर के दोनों तरफ मार्किंग लगाएंगे। इस मार्किंग के ऑपोजिट साइड भी सेम मार्किंग रूलर से लगाएंगे। अभी हम मेजरमेंट टेप को इस कोना में डाल के राउंड शेप का मार्किंग लगाएंगे। पाइप का इस पार्ट, दोनों पार्ट को काट के निकाल लेंगे। पाइप का काटना हो चुका है, अभी रफ एरिया को सैंड पेपर से घिस कर सही कर देंगे। अभी हम लोग यहाँ पे 4 होल करेंगे और एक स्विच का कट लगाएंगे। चार होल हो चुका है तो एक होल पे हम लोग नीचे कुछ रख के ग्लू गन की मदद से ग्लू डाल देंगे, क्योंकि जब हम लोग चार्जिंग मॉड्यूल लगाएंगे तो LED का लाइट बाहर दिखे। दो टॉर्च लाइट का रिफ्लेक्टर लेंगे और LED को यहाँ पे डाल के, वाइट LED को यहाँ पे डाल के ग्लू गन की मदद से फिटिंग कर देंगे। तो मैंने दोनों रिफ्लेक्टर को पुराने CD के बीच में फिटिंग कर चुका हूँ और इस CD के चारों तरफ हम लोग LED फिटिंग कर गए, येलो, RGB, रेड, वाइट और ब्लू। तो चलिए फिटिंग करते हैं। CD में हम लोग रेड और ब्लू लाइट को फिटिंग कर चुका हूँ और कनेक्शन देख लीजिए, ब्लू का जो सारा प्लास है एक जगह हो जाएगा और रेड का सारा प्लास जो है एक जगह हो जाएगा। तो सारा LED मेरा फिटिंग हो चुका है। जिस जिस कलर का LED है सारा प्लास को एक जगह कॉमन करके निकालिए, ब्लू का ब्लू, रेड का रेड, येलो का येलो और RGB का दूसरा एक कलर दे सकते हैं और सारा नेगेटिव जो है सारा एक साथ हो जाएगा, लेकिन वाइट वाला का नेगेटिव और पॉजिटिव अलग रखिए। कनेक्शन अगर समझ में ना आए तो वीडियो का आखिर में मैं एक डायग्राम बना के दे दूँगा। चलिए सारा सामान को, PVC सामान को कलर कर लेते हैं। कलर करके रेडी हो चुका है तो ऊपर वाला CD को, जो सिंगल LED है, तो ऊपर में डाल के
ग्लू गन्स के मदद से चिपका देंगे। ऊपर वाला एलईडी के तार को इस साइड से ग्लू गन से चिपका देंगे। डिफ्यूज़र के लिए इस मिनी लेक्स पेपर को यूज़ करेंगे। ये 7 नंबर मिनी लेक्स पेपर है और इसमें डाल के अंदर डाल के चिपका देंगे। कुछ इस तरह से अभी हम लोग नीचे वाला लाइट भी फिटिंग कर देंगे। तार को यहाँ से डाल के हम लोग इसको यहाँ पे फिटिंग कर देंगे। अभी हम लोग 6 डायोड लेंगे और ऐसा 3 सेट बना लेंगे। प्लस को एक तरफ जोड़ लीजिएगा और माइनस बाहर रहेगा दोनों का। अभी 100 के का पोटेशियोमीटर लीजिए और D882 का ट्रांजिस्टर लीजिए। कुछ इस तरह से पोटेशियोमीटर में फिटिंग कीजिए। ये दोनों आपका LED में चला जाएगा और ये दोनों था लोड का। ब्लू वाला माइनस है और रेड वाला प्लस। चलिए कनेक्शन कर लेते हैं। हम लोग कलरफुल LED का नेगेटिव और मॉड्यूल का नेगेटिव एक साथ जोड़ेंगे। वाइट वाला का नहीं जोड़ेंगे, उसका कनेक्शन दूसरा होगा। ये सारा जो तार है साइड में दिखाई दे रहा है, रेड ब्लू येलो ग्रीन, रेड रेड के लिए, ब्लू ब्लू के लिए, येलो येलो के लिए और ग्रीन को मैंने RGB में यूज़ किया। और ये ग्रे वाला तार वाइट LED का है। तो चार्जिंग मॉड्यूल भी फिटिंग हो चुका है, देख लीजिए एक बार। मैंने यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट लगा है जो सॉकेट से यहाँ पे आएगा और ये दोनों आउटपुट हो जाएगा और बीच वाला 2 तार बैटरी का इनपुट। अभी हम लोग 7 स्टेप फैन रेगुलेटर को यूज़ करेंगे। ये पुराना रेगुलेटर से निकला है। ये लाल तार जो है इनपुट है और बाकी सब आउटपुट। ये इजी है बनाना। जो रेगुलेटर से आउटपुट का तार निकला है तो मैंने सब LED का इनपुट में डाल दिया है। रेड को रेड में, ब्लू को ब्लू में, येलो को येलो में और RGB को RGB में। और बाकी जो 3 तार बचा हुआ है वो साइड पे डायट लगा हुआ देख सकते हैं, उसको हम दूसरे टाइप का कनेक्शन कर देंगे। अभी हम शोल्डरिंग करके इसको अच्छी तरह लॉक कर देंगे। अभी हम डायट लगा के जो आउटपुट निकाला है, एक डायट को हम रेड पे और दूसरा डायट को हम लोग ब्लू पे ज्वाइन कर देंगे। अभी दूसरा वाला डायट का तार को एक ब्लू पे लगाएंगे और दूसरा येलो पे। ये मैं किस लिए लगा रहा हूँ, जब स्विच रोटेशन होगा तो एक बार ब्लू येलो जलेगा, एक बार रेड येलो और एक बार ब्लू ग्रीन, ब्लू और रेड, और तीसरा वाला को रेड और ब्लू पे। कुछ इस तरह से जोड़ देंगे। अब जो 3 तार रेड कलर का तार ज्वाइन दिखाई दे रहा है, एक तार गया है रेगुलेटर पे, एक गया है स्विच का इनपुट पे और बाकी बचा जो मेरा हाथ पे तार है वो जाएगा मॉड्यूल के आउटपुट पे। अभी जो पोटेशियोमीटर से पॉजिटिव निकला है वो स्विच का पॉजिटिव से जोड़ देंगे और पोटेशियोमीटर से जो प्लस आउटपुट निकला है वो वाइट LED का दोनों में जोड़ देंगे। अभी पोटेशियोमीटर का इनपुट नेगेटिव, LED का नेगेटिव, सारे नेगेटिव को एक साथ जोड़ के बैटरी का आउटपुट पे जोड़ देंगे। तो सारा कनेक्शन हो चुका है। ये दोनों तार हम लोग का बैटरी पे जाएगा।
मुझे पता है कुछ कुछ को कनेक्शन पता नहीं चला, मैं वीडियो का अंत पे एक डायग्राम बना के डाल दूँगा। तो लिथियम बैटरी का कनेक्शन कर दिया हूँ, मैंने दोनों को पैरेलल में कनेक्शन कर दिया है। तो देखिए लाइट जल रहा है, तो बैटरी को मैंने अच्छी तरह टेप से चिपका के ग्लू गन से यहाँ पे चिपका दूँगा। अभी पीछे वाला ढक्कन भी फिटिंग कर देते हैं। इसको मैंने पीवीसी शीट काट के भी बनाया था, सारा दिखाने जाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने स्किप कर दिया इसको। तो इसको यहाँ पे चिपका के सुपर ग्लू से चिपका देंगे। फिर मैंने पाइप गैसकेट लिया है, इसको भी यहाँ फिटिंग कर देंगे। ये किसी भी हार्डवेयर शॉप में उसी साइज़ का आपको मिल जाएगा, इसको भी सुपर ग्लू से चिपका देंगे। ऊपर वाला टॉप भी फिटिंग करके देता हूँ। मैंने इस टॉप के ऊपर भी एक नॉब लगाया है, ये भी हार्डवेयर शॉप से ही लाया हूँ। तो फाइनली हम लोग का लाइट रेडी हो चुका है, देखते हैं कैसे वर्क कर रहा है। तो अच्छा ही रोशनी हो रहा है। अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर आप Facebook पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर दीजिएगा। तो अलविदा दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, टाटा।